हेलो एंड वेलकम स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉर्ड्स ऑफ करेंट अफेयर एंड सबसे पहले गुड मॉर्निंग सभी को और आ, पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ बैच के बारे में फिर मूव करती हूँ चैट बॉक्स की तरफ राइट तो हमारे अपकमिंग बैचेस जो कि जुलाई महीने की हैं आप देख सकते हो 28 जुलाई मतलब कि एकदम लास्ट ठीक है तो ये बैचेस जो है बाइल हैं आ रही हैं आप इसमें ही रोल कर सकते हो और ज़्या जानकारी के लिए क्या करोगे आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे एंड इसके बाद मूव टूवर्ड्स दी स्टूडेंट्स है ना यानी चैट बॉक्स की तरफ़ मूव करती हूँ तो देखती हूँ हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट कर एक सेकेंड उन्... तो मॉर्निंग से सरिता रावत जी हैं तो गुड मॉर्निंग जी वेरी गुड मॉर्निंग एंड उसके बाद आई एम फाइन सरिता हाउ आर यू एंड पे हम देख लेते हैं मोहित शर्मा जी हैं अभिनव जी हैं उसके बाद जो है यहाँ पे तृष्णा क्रिएशन आसाम उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दीपजन चौधरी एंड गौरव कुमार मृणाल कांतील दास खुशबू मंडल अमित शर्मा विकल्प सिंह एंड मैनी मोर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर एंड करना क्या है वाट यू हैव टू डू यू हैव टू डू वन मोर थिंग दैट इज वॉट गो एंड शेयर क्लास की लिंक शेयर करें हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं राइट right? तब तक हम क्या करते हैं अपनी क्लास प्रारम्भ कर देते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें विचारों की अच्छा मुझे बता दीजिए अगर मेरी वॉइस क्लियर है ना सब चीज़ ओके है ओके 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 और नॉट ठीक है मुझे लगता है ओके है तभी तो आप लोग जो है अभी तक कुछ बताए नहीं हो कि हाँ मैम कोई इशू है अदरवाइज तो भी आ चुका होता ठीक है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे थॉट्स की बात करें तो कहा जाता है डू नॉट वेट मतलब डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी क्रिएट इट यानी ऐसे वेट नहीं करने का कि मौका मिलेगा तब कुछ करेंगे है ना मौके बनाए जाएंगे राइट चलिए बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की तो कल का क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा विचित्र नहीं था लेकिन कोई नहीं आ, क्योंकि आप सभी जो है वो आर्ट को नहीं पढ़े होते हैं अगर एस सी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा जो मंदिर आर्ट होता है या जैसे इस्तूपाज हो गए यानी आर्ट एंड कल्चर से बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना होता ये क्वेश्चन थोड़े से कंस्ट्रक्शन वाले निकल गए मुझे भी लगा ठीक है तो कोई बात नहीं है वैसे आप लोगों ने इसका आंसर जितने भी लोगों ने दिया है सभी ने मे बी में दिया लेकिन आंसर सभी ने लगभग सही दिया वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ओके okay, राहुल जी क्या बोल बता रहे हैं अच्छा वो तो थॉट्स को रिपीट कर रहे हैं एंड उसके बाद बाद सभी जो है वॉइस क्लियर है ओके ठीक है थैंक यू ना बताने के लिए चलो बहुत बढ़िया अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कल जिन्होंने सही सही आंसर किया उन्होंने बताया है क्या जैसे हम बात कर लेते हैं अगर आ, वीना वीना जी की बात कर लेते हैं तो ये जो है आंसर सही आंसर दी सही था रावत का भी आंसर सही था लेकिन लास्ट में सबके मे भी मुझे दिखाई दिया आर डेविस स्टोन जी थे ये भी बेचारे कंफ्यूज थे बट कोई नहीं इन्होंने भी आंसर सही दिया राहुल उपाध्याय जी थे इन, इनका भी आंसर सही था उसके बाद जो है भूपेन बोहरा जी थे इनका भी आंसर सही दीपिका थापा ने भी सही आंसर किया था सुप्रजित पटनायक ने भी एकदम कॉन्फिडेंस में बी आंसर किया एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे अगेन राहुल जी का दो बार आ चुका है आज तो राहुल जी खुश हो गए होंगे एंड उसके बाद हम देखते हैं मनीष चौधरी जी का भी आंसर सही था बट थोड़ा कंफ्यूज थे बेचारे ये एंड राजीव कपूर का भी आंसर सही था तो लगभग आंसर जितने भी स्टूडेंट ने आंसर किया आंसर सबका सही था लगभग ठीक है चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं अब जल्दी से हाई को डिस्कस करें एंड हाई के बाद फिर हमारा एम सी क्यू राउंड होगा और आज मैं आपके लिए हाई तो लाई हूँ थोड़े से एक ये आर्टिकल जो है ये कल की ही न्यूज़ है क्योंकि ये बड़ा आर्टिकल था ये छूट गया था मुझे ये कल ही डिस्कस करना था आपके साथ बट मैं नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी टाइम हो जाता देखो कल बहुत कम किए तब भी हम लोग काफ़ी लेट थे अपने क्लास में राइट आज कोशिश होगी कि थोड़ा पंचुअल रहे लेकिन देखो डिपेंड करता आर्टिकल के ऊपर अब जो सबसे पहला जो आर्टिकल हमारे सामने है ओ कार्ड होल्डर के बारे में है अब ये ओ कार्ड होल्डर के बारे में हम जानेंगे तो हमें समझना होगा ओ कार्ड होल्डर है क्या जानेंगे लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं यानी हम बात कर रहे हैं ओवरसीज ओवरसीज सिटीजनशिप्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अभी क्या है हाल फिलहाल में ही डेली हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा है कि किसी भी मैटर में जिसमें ओ सी स्पाउस से संबंधित हो यानी हस्बैंड वाइफ से संबंधित कोई भी इशूज हो तो उसमें जो है उनको एफ ओ ऑफिस यानी जो आप देख सकते हो जो फॉर फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे फिजिकल या वर्चुअल किसी भी रूप में उपस्थित होने की बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है राइट अब कॉन्टेस्ट क्या है कॉन्टेस्ट एक फीमेल से संबंधित है एक ईरान की महिला जो कि ओ कार्ड होल्डर है इनका रिक्वेस्ट था उसके आधार पे अब इनके निजी जीवन में नहीं इन करते हैं कि क्या इश्यूज था वो हमारे काम का चीज़ नहीं है वो दैट इज अ मसाला एंड वी डोंट टेक एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ मसाला राइट हमारे एग्जाम में मसाले तो पूछते नहीं अब हमारे लिए एग्जाम में ओ कार्ड से क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत ही पॉसिबिलिटी है ओ कार्ड होल्डर कौन होते हैं तो हमें ये जानना है ओ कार्ड होल्डर कौन होते हैं अगर हम बात करें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की तो देखो ये हमारे संविधान में जो सिटीजनशिप्स है आर्टिकल पाँच से ग्यारह तक उसको अमेंड किया गया था है ना अमेंड किया गया और अमेंड किया गया 2005 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 55 को 2005 में अमेंड किया गया और एक नई प्रावधान जो है यहां पे एड ऑन की गई वो प्रावधान कौन सी थी प्रावधान थी पी की यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की प्रावधान थी अभी फिर सरकार इसमें क्या की सरकार 2015 में इसमें परिवर्तन की और जो है ओ का कंसेप्ट आ गया यानी पी आई ओ को हटा करके ओ सी आई अब चलता है हमारे यहाँ अब ओ सी आई कार्ड होल्डर कायदे से होने कौन चाहिए देखो कोई भी वैसा भारत का नागरिक जो विदेश में रहता हो कोई भी पर्सन ए जो विदेश में रहता हो और वहाँ की जो नागरिकता के कार्ड होल्डर है उसको उसने ले रखा हो कायदे से वो दूसरे देश की नागरिकता को अडॉप्ट कर चुका हो वैसे व्यक्ति जो है भारत में एलिजिबल होते हैं भारत सरकार उनको मान्यता देती है कि कोई नहीं आप हमारे ही देश के हो और आपने दूसरे देश की नागरिकता हासिल की है तब भी हम आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए कार्ड होल्डर कि आप कार्ड होल्ड के साथ आप भारतीय मूल्यों के साथ जुड़े रह सकते हो क्योंकि हो सकता है ना कोई आदमी कुछ पर्टिकुलर ईयर के लिए किसी देश में जो है काम के लिए जॉब के लिए गया हो दस साल पंद्रह साल बीस साल के लिए तो वो अपने वहाँ की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करके काम कर रहा हो और पूर्णता भारत रिटर्न आना हो या फिर उसके जो जनरेशन है कमिंग जनरेशन जो होंगे वो मे भी भारत में ही रहना चाहे राइट तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोविजन हमारे यहाँ है अब देखिए और बात करें हम और क्या एक्सेप्शन है कौन व्यक्ति जो है इस कार्ड होल्डर कार्ड होल्ड को एक्सेप्ट कर सकता है मैंने एलिजिबल है और नहीं है उसको डिटेल से देख लेते हैं तो बताया जाता है वैसे व्यक्ति जो भारत में संविधान लागू है ना भारत में जो है संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे यानी 26 जनवरी 1950 के पश्चात वो भारत के नागरिक थे और उसके बाद वो बाहर चले गए वो कार्ड होल्ड कर सकते हैं या फिर बोला गया है ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने के पात्र थे मतलब एलिजिबिलिटी थी वो कार्ड होल्ड कर सकते हैं, या फिर वैसे व्यक्ति या फिर वैसे व्यक्ति जो हम कह सकते हैं दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन वो भारत के किसी भी स्टेट से संबंधित हैं। किसी भी राज्य संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो है भारत का पार्ट बन गया जैसे कि मान लीजिए हम पकड़ लेते मान लीजिए पुडुचेरी की बात कर लेते पुडुचेरी तो वहां के नागरिक तो पहले इंडियन नागरिक हुए नहीं क्योंकि वो तो आजादी के टाइम अपना पार्ट बना नहीं लेकिन बाद में बना ना तो इसके लिए बोला गया उसके बाद बोला गया है क्या कि वैसे नागरिक यहाँ बताया गया है जो जिनके जो मतलब सन डॉटर या उनके ग्रैंड सन या किसी भी तरह से उनसे संबंधित है राइट वो जो है भारत की नागरिकता लेने के लिए ये इस तरह से ओ कार्ड होल्डर वो बन सकते हैं अगर वो बाहर में रह रहे हैं तो अगर वो बाहर में रह रहे हैं तो है ना क्या फायदे होते हैं ऐसे कार्ड होल्ड होने के ऐसे क्या फायदे होते हैं कार्ड होल्ड बनने के तो देखो फायदे ये है कि उनको ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यहां से क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान रखिएगा। वैसे कार्ड होल्डर ओ कार्ड होल्डर को क्या फायदा होता है तो उनको मल्टीपल टाइम का लॉन्ग लाइफ जो है वीजा मिला होता है यानी उनको बार बार परमिशन लेके भारत में इन करने की कर आवश्यकता नहीं है उनको लॉन्ग लाइफ वीजा मिला होता है ओ कार्ड होल्डर को ठीक उनको बार बार एफ आर आर ओ ऑफिस या एफ आर ओ ऑफिस यानी जो फॉरेन हम बात करें रीजनल रजिस्टर ऑफिस या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाने की आवश्यकता बार बार नहीं है साथ ही साथ उनको और कुछ बताया गया है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं हर तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एक्सेप्ट वो खेती बाड़ी के लिए और प्लांटिंग के लिए जमीन नहीं खरीदेंगे बाद बाकी वो सब चीज़ को खरीद सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट तो क्या नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किसी भी तरह की परीक्षाएं दे सकते हैं सिविल सर्विसेज को छोड़ करके लेकिन मेडिकल की है ना या फिर एडवोकेट देखो एडवोकेट बन सकते हैं ये लेकिन जुडिशियल बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं ठीक है मैंने जज बनने के रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन एडवोकेट की पढ़ाई वो कर सकते हैं नर्स की पढ़ाई कर सकते हैं जितने भी चीज़ चार्टेड अकाउंटेंट हो गए प्री मेडिकल एग्जाम टेस्ट हो गया ये सब सारे के सारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स सभी सेक्टर्स में ये अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर की

तो उनको जो फ्री चार्जेस होंगे वो वैसे ही होंगे जो एनआरआईज को चार्ज होते हैं राइट ये वाली चीज हो गई बस और कोई बात नहीं है तो फायदे बहुत है इनको ठीक है क्योंकि इनके पास एक तरह का है ना कि भाई ये भारत के ही नागरिक है ठीक तो इतना सुविधा तो मिलना चाहिए ना भारत सरकार इतना सुविधा देगी इनको ये सारी बातें हिंदी में यहाँ पर डिस्कस की गई है इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कार्ड होल्डर को कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ओसीआई कार्ड धारक जो होंगे उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा राइट ध्यान से समझिएगा यहाँ पे उसके बाद उनको जो है इनके पास कोई भी मैं बताइए ना सिविल सर्विसेज की बात की ना तो इनको किसी भी सरकारी नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा पढ़ सकते हैं रह सकते हैं सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं स्पेसिफिकली मेडिकल वगैरह की बात करें एडवोकेट बन सकते हैं लेकिन जज बन जाए ये पॉसिबल नहीं बड़े अधिकारी बन जाए ये पॉसिबल नहीं है उसके बाद बोला गया है है पे इनके पास ये ये भी अधिकार नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या President या या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस जज में पहले बता चुकी है बने मैं पहले बता चुकी है अब ऐसा कोई व्यक्ति जो ओ कार्ड होल्डर है इतने बड़े पोजीशन पे तो नहीं ना बैठाएंगे कायदे से आप सोच सकते हो ठीक है तो ये सब सारी चीजें अच्छा एक और बात है यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली तो मैं बता ही दी एग्रीकल्चर की राइट और प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये मेंबर्स इनके बारे में बताया गया है क्या कि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं बन सकते यानी एम और एम का चुनाव भी ये नहीं लड़ सकते और तो दिमाग में आया क्या मैम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे नहीं किसी भी तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे दी पर्सन हु हैव नॉट राइट टू वोट देन हाउ कैन ही बिकम कोई भी बड़ा वाला पोजिशन कैसे ले सकता है वो ठीक चलिए तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारा क्या है पीएम केयर फंड से संबंधित है पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन अभी देखो हाल फिलहाल में क्या हुआ हमारी जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं हालांकि ये तो बहुत पहले आया हुआ है तो पोर्टल लॉन्च हुआ है तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है तो इसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं स्पेसिफिकली बच्चों को है ना अब ये कौन से बच्चे हैं क्या पूरे भारत के बच्चे इसके लिए अप्लीकेबल है नहीं इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वैसे ही बच्चे जो ऑर्फिन्स हैं या अनाथ हम जिनको बोले जिनके माता पिता अभिभावक किसी भी तरह की कोई भी गार्जियनशिप नहीं रह गई उनके पास और ये ऐसा इसलिए हुआ कि कोविड नाइन्टीन के कारण जो है उनके फैमिली का जो है हम कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई उनके जीवन में तो वैसे बच्चे को पीएम केयर फंड के तहत ही क्या किया जाएगा पोषण किया जाएगा उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा इम्पावर किया जाएगा यही आर्टिकल है और अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेकेंड स्टैटिक क्वेश्चंस रिवीजन स्टैटिक इट विल हेल्प

जो करंट अफेयर्स होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बेसिकली ये जो एपिसोड होता है ये हमारा करंट अफेयर का होता है तो इसमें स्टैटिक पार्ट को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे विकल्प हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं लेकिन साथ ही साथ जो है हम करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करेंगे अब कुछ बड़ी चीज आई हैं जैसे अब मान लो जो मैं पहले बताई राइट तो क्या आपको लगता है ये करंट अफेयर से संबंधित है करंट अफेयर में तो बस इतना ही था लेकिन हमने उसको पॉलिटी के नज़र से पढ़ा क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अब वहाँ से एम बनेंगे तो मुझे एमसीक्यू करा मैं करा देती हूँ तो क्या होगा एमसीक्यू मैं करा देती हूँ मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है फिर वो आर्टिकल मुझे बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा तो इसलिए मैं करती हूँ कि कुछ आर्टिकल्स को मैं डिस्कस कर लेती हूँ और बाद बाकी जो हम लोग एमसीक्यू करते हैं डॉन भी वरी मैं एम सी बहुत ध्यान रखी हूँ ठीक है लेकिन थोड़ा आर्टिकल बनता है और ऐसे अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये को, ये जो हमारा एपिसोड है वो करंट अफेयर का ना हो करके जीएस का बन जाएगा वो राइट थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगा मैं चलती हूँ आगे तो डोंट बी वरी अबाउट अगर ऐसा लगेगा कि स्टैटिक पोर्शन की बातें ज्यादा करिए तो उसके लिए व्यवस्था भी की जाएगी अगर ज्यादा स्टैटिक का इशू हो जाए तो फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की पी केयर फंड की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दस लाख का प्रोविजंस है दस लाख एलोकेट किए गए हैं यह आपको पहले से पता है और ये दस लाख उस बच्चे को तभी मिलेगी जब वो तेईस साल की उम्र का हो जाएगा लेकिन उससे पहले जो है उनको जो है अठारह साल की उम्र तक अगर हम बात करें वो स्कूल एजुकेशन में उनको जो है सरकार पैसा देगी जो स्टेफेन उनको पैसा मिलेगा पढ़ने के लिए साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको किसी भी तरह के स्कूल में चाहे वो सैनिक स्कूल हो या नवोदय स्कूल स्कूल हो या जो सेंट्रल स्कूल हो किसी भी तरह की जो है हायर एजुकेशन हो या लोअर एजुकेशन जो स्कूल गोइंग है कहने का मतलब उनको नियर बाय स्कूल में सरकारी स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में उनको ये फायदा है कि वो आराम से इवन प्राइवेट स्कूल भी इसमें इन्वॉल्व है एग्जाम में अगर क्वेश्चन में प्राइवेट स्कूल डाल दिया जाए तो कन्फ्यूज मत होइएगा प्राइवेट स्कूल भी इसमें इन्वॉल्व है वो आराम से बैठ के वहां पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं उसके बाद जो है उनको बाद में पैसा दिया जाएगा जब वो तेईस साल के होंगे तब और अगर हम बात करें इंश्योरेंस की तो ऐसे चाइल्ड की जो है इंश्योरेंस

हो सकता है ये concerning है है ये चलिए आगे बात बात करते हैं Next, बात करेंगे हम uh, ड्राफ्ट जो है अगर उड पॉलिसी के बारे में राइट और यहाँ पे कुछ लिखे हो न, अभी राहुल क्या बता रहे मैम करोगे डिस्कशन तब तो एग्जाम में भी हम्म 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 कितने वो हो गए हो यार आज तो एकदम लगता तलवार उलवार लेके आओगे हमसे फाइटिंग करने के लिए सभी के सभी जो है देवा मैं क्या करूँ तुम लोग तो इतने कंसर्निंग हो चुके हो एक सेकेंड रुक जाओ और और क्या लिखे हो <coughs> थोड़ी सी हंसी भी आती है चलो मैं तो आ, यहाँ पे एक पूछ रहे हैं मैम आई एम फ्रॉम महिंद्रा स्टूडेंट मैं क्लास ज्वाइन करूँ मतलब क्या किस तरह की क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हो सर हम समझ नहीं आ रहा है आप महिंदिरा के स्टूडेंट हो तो अगर आपकी ब्रांचेस खुली हैं स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है तो ऑफलाइन स्टार्ट हुई होंगी अगर आप ऑफलाइन के बारे में जानना चाहते हो तब ज्वाइन करना अदरवाइज ऑनलाइन क्लास चल रही है गो एंड एंजॉय राइट चलिए और हमारे साथ जुड़िए साढ़े बजे <laughs> करंट अफेयर्स के लिए अगर हम यहाँ बात करें ड्राफ्ट त्रिपुरा अगर वु पॉलिसी के बारे में क्या बातें हैं तो देखो बात यह है कि एक जो है क्या किया गया पॉलिसी यानी मसौदा तैयार किया गया है क्या तैयार किया गया है बिजनेस को बढ़ाने का यानी ये जो अगर की लकड़ियां होती है अगर उड की बात करें है ना तो इसका जो बिज़नेस है वो बढ़ाने की बात की गई है दो हज़ार करोड़ की इकोनॉमी 2025 तक बनाने की बात की गई है राइट right. और अगर हम बात कर ले तो इसके लिए सरकार जो है काफी सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रही है ठीक और ये सारे प्रोजेक्ट जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत और वोकल फॉर लोकल लोकल इनिशिएटिव को बढ़ावा देते हुए किया गया है अगर हम बात करें अगर की तो अगर देखो क्या है कि अगर को कहा जाता है लिक्विड गोल्ड राइट लिक्विड गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मार्केट में वैल्यू बहुत ही ज्यादा है एक लीटर अगर के ऑयल का दाम जो है लगभग पांच लाख रुपए पहुंच जाता है तो काफी ज्यादा देख एक लीटर का दाम पांच लाख पहुंच जा रहा तो लिक्विड गोल्ड तो है ही और अगर हम बात करें आई यूसी लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है अब हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी आएगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा 1972 है ना अगर हम बात करें यहाँ पे कहाँ कहाँ ये पाया जाता है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बांग्लादेश में भूटान में और जो है साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में ये पाया जाता है ठीक है और ये जो है एवरग्रीन ट्री है अगर का ट्री जो है एवरग्रीन ट्री है ये इंपॉर्टेंट है ये सब जिओग्राफी से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक चलिए आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट देखो नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस है ना फॉर जो है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉस्मिक के बारे में बात की जा रही है तो बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या डिसाइड किया है कि एक जो है नेशनल सेंटर बनाएंगे जो कि एनिमेशन विजुअल इफेक्ट या गेमिंग कॉस्मिक से संबंधित हो जो कि वर्ल्ड क्लास की हो वर्ल्ड क्लास के टैलेंट को प्रमोट करें तो बस एनिमेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें ठीक है गेमिंग कॉस्मिंग के क्षेत्र में बात करें तो इस तरह की बॉडीज को बनाने का जो है सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने से क्या होता है एक वर्ल्ड वाइड हम क्या कर पाते हैं कॉम्पीट कर पाते हैं हम भी अपना स्टैंड रख पाते हैं हमारी आईटी सेक्टर बूस्ट होती है और ये काम जो है किसके हेल्प से किया जा रहा है इसके लिए हमारी आईआईटी बॉम्बे जो है वो टेक्नोलॉजी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है राइट चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट हाईलाइट हमारा क्या है नेक्स्ट हाईलाइट जो है वो फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी से संबंधित है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है केसज है ना यानी पूरा नाम अगर हम ले तो बता रहे हैं क्या जो है कंडला स्पेशल इकोनॉमी जोन यानी कैसेज की बात कर रहे हैं जो कि ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है भारत का सबसे पुराना एक्सपोर्ट जोन है और, और जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ है ठीक है इंडस्ट्रियल सिटीज़ वाले लिस्ट में ये जो है ग्रीन इंडस्ट्री सिटी का प्लेटिनम कैटेगरी में प्लेटिनम रेटिंग में आईजीबीसी के द्वारा इनको ग्रीन रेटिंग प्राप्त हो गई है अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल इलाका होने के बावजूद यहाँ पे जो है सिक्सटी एट स्पेसिस पाए जाते हैं किनके 68 सिक्सटी एट जो है वो स्पेसिज ग्रीन प्लांट की बहुत सारे प्लांटिंग जो होते हैं ठीक है और पेड़ की प्रजातियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं अट्ठाईस टाइप के ट्वेंटी एट टाइप्स के जो है वर्ड्स की प्रजातियां जो वेराइटीज़ है वो पाई जाती हैं और बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि शॉल्ट वाटर रीजन्स में पाए जाने बहुत सारे वेगेशंस जो हैं वो पाए जाते हैं राइट तो कहने का मतलब है इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर क्या होता है लाइफ को बहुत नुकसान होता है चाहे वो किसी भी तरह का एक्वेटिक लाइफ हो या पेड़ पौधे हों बहुत नुकसान होता है लेकिन उसके बावजूद जो है ये क्षेत्र ऐसा है जो कि अपने नेचर्स की जितनी प्रॉपर्टी इनको मिली है उनको लगभग कंजर्व रखने की कोशिश की गई है इसी के तहत जो है इनको प्लेटिनम कैटेगरी में जो है इनको ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुआ है इंपॉर्टेंट है याद करके रखेंगे ठीक है अगर हम बात कर ले यहाँ पे जो आ, किन के बारे में आई के बारे में यानी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में तो ये जो है सी का सी का पार्ट है सॉरी सी बोल रही हूँ सी का पार्ट है यानी जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कितनी बार मैं ये बॉडी पढ़ाई हूँ आप मुझे बता दीजिए ये बॉडी कब बनी थी चैट में लिखो भाई ये बॉडी कब बनी सी आई आई सेटअप कब हुई थी ठीक है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो कि 2001 में फॉर्मुलेट हुई ठीक है यहाँ बताया गया है चलिए ये पूरी की पूरी आर्टिकल हमने डिस्कस की आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चौरासी कोस जो है परिक्रमा मार्ग के बारे में तो चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग क्या है इसको देख लेते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग के बारे में जो कि अयोध्या के आसपास का रीजन होगा यानी अयोध्या के बाद का जो नेशनल हाईवे है ये यह यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा अभी थोड़ा सा देख लेते हैं देखो हिंदुजम के हिसाब से ये बताया गया है तीन तरह के जो है परिक्रमा मार्ग होते हैं वाले क्षेत्र में एक होता है पांच कोस परिक्रमा जिसमें अगर किलोमीटर की बात करें तो पंद्रह किलोमीटर आता है पंद्रह किलोमीटर रेंज में क्या होता है परिक्रमा करना एंड उसके बाद जो है चौदह कोस होता है जो कि बयालीस किलोमीटर है उसका चौरासी कोस होता है जो अपने आप में दो सौ पचहत्तर किलोमीटर की जो है डिस्टेंस को कवर करता है मैंने अयोध्या क्षेत्र से 275 किलोमीटर का परिक्रमा का मार्ग होता है जो कि लॉर्ड रामा से लिंक्ड है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी चर्चाएं जो है बिल्कुल बालकांड अगर हम बात करें बाल्मीकि रामायण की तो बाल कांड में इनको मेंशन किया गया है है ना चौरासी को परिक्रमा की वैल्यू बताई गई है वहां पे उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर अयोध्या की बात करते तो अयोध्या जिसको पहले बोला जाता क्या कौशल देश है ना तो कौशला देश कहा जाता था जिसकी सीमाएं पहले अड़ता फोर्टी एट कोस हुआ करती थी बाद में जब बलशाली राजाएं यानी हम कह सकते कि लॉर्ड ड्रामा के टाइम में ये जो है एट्टी फोर कोस तक फैली थी इस राज्य की सीमा ठीक है तो इस राज्य के सीमा का जो है परिक्रमण करने से हिंदुज्म में ऐसा विश्वास है कि जो लाख होती हैं, जिसमें रीबर्थ होता है हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से देखें तो इस परिकर्मन से उनको ऐसे जो है बार -बार योनिया जो योनी बदलती है उससे मुक्ति मिल जाती है राइट तो ये थोड़ा धार्मिक चीजों को टच करता हुआ है केंद्र सरकार ने इसकी जो है यहाँ पे डिसाइड किया है लॉन्च करने का की कोस परिक्रमा मार्ग जो है वो युद्योग के आसपास के क्षेत्र को सर्किट को मिला करके बनाया जाएगा ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट है संबंधित किसे आई एस एस से यानी आई एस एस का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका क्या है ये जानेंगे तो देखिए नाम में छुपा हुआ है नौका इज अ मॉडल ठीक है मॉड्यूल कि, है किसके द्वारा द्वारा बनाया गया है रशिया के लगभग जो है हम कह सकते हैं अब नौका की बात कर ले तो नौका जो है ये लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली 21 जुलाई को ही ये एक तरह का प्रोटॉन बेस्ड रॉकेट है जो कि क्या करेगा जिनका टारगेट क्या है आई एस एस को ज्वाइन करना यानी ये जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसको ज्वाइन करना एक्चुअली का मतलब होता है साइंस रशियन भाषा में बात करें तो ये बिगेस्ट लेबोरेटरी है रसिया की जो रसिया ने लॉन्च किया है और अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में तो देखो ये क्या करेगा ये ना एक तरह का जो है ना एक्चुअली क्या आईएसएस के अंदर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है मॉड्यूल होते हैं राइट तो उसमें एक जो मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है पेयरस इस मॉड्यूल को जो है रिप्लेस करेगा ये नौका एक्चुअली ये थोड़ा सा फंक्शनिंग में नहीं है लगभग तो इसको जो है ये रिप्लेस करेगा काम क्या करना है जो भी स्पेस जाते हैं अर्थ से उसको ये डॉकिंग प्रोवाइड करता है तो डॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है राइट डॉकिंग प्रोवाइड करता है और और बिना मतलब इसके इसके बिना जो है जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते वो स्पेस में वर्क भी नहीं कर पाएंगे मतलब बहुत सारी इनकी जो है एक्सक्यूज में बहुत सारे फायदे हैं और ये वर्क करना बंद कर दिया है जो कि डॉकिंग को अभी कंट्रोल करता है ये तो अभी क्या किया जा रहा है नौका गया है और नौका ने इसको रिप्लेस करा और ये अब नौका जो है डॉकिंग का काम करेगा ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नौका की अगर हम बात करें तो बयाली फोर्टी टू फीट लॉन्ग है वेट की बात करें तो ट्वेंटी टन है कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कितना वेट है <laughs> ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता बस ये पूछा जा सकता है कि ये किसको रिप्लेस किया है या ये किस इसका क्या काम है ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ठीक है और अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे इसमें और क्या क्या चीजें हैं तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें जैसे कि टॉयलेट वगैरह बनाए गए जो कि किस तरह के स्पेस वाले रीजन्स में जो होंगे क्योंकि जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेटर इसमें है एक अच्छा खासा जो है काफी बड़ा एक स्प्रेड बेड है, है ना उसके बाद रोबोटिक कार्गो है इसके अंदर क्रेन बिल्डिंग कैपेसिटी है जो कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाली गई है वैसी जो क्या हो सकता है स्पेस के लिए है है ठीक आगे हम बात कर ले नेक्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है लो और अर्थ ऑर्बिट रीजन में एक्सटेंड करता है एक्चुअली ये काफी पहले 1988 के टाइम में ही हमारे वर्ल्ड के पांच वर्ल्ड की पांच साइंटिफिक एजेंसी जो है फाइव ये नाम बहुत याद रखोगे इंपॉर्टेंट है यानी नासा जो कि यूरोप एशिया हम कह सकते हैं यूएसए का एंड उसके बाद हम बात करें क्या आप देख सकते हो कॉस रॉस कॉसमोस जो कि रशिया का आ, स्पेस एजेंसी है उसके बाद जाक्सा जो कि जापान का है उसके बाद यूरोपियन का यूरोप का क्या है ई एंड उसके बाद कैनेडा का जो है क्या सी तो ये पांच एजेंसियों के द्वारा मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो है निर्माण किया गया था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या करती है ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहती है तो जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो क्या करते हैं इसी का हेल्प लेते हैं ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहती है पृथ्वी का और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में इनको नाइन्टी मिनट लगता है लगभग ये पृथ्वी का जो है फिफ्टीन चक्कर ये हर दिन लगाती है जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो इसी स्पेस स्टेशन पे ही अपने आप को जो है वो स्टे कराते हैं यहीं से वो सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं याद रखेंगे इसमें चाइना पार्टिसिपेट नहीं किया है चाइना का अपना खुद का स्पेस स्टेशन है राइट right? चलिए और और उसको वो बूस्ट करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो सेटअप कर रहा है चाइना ठीक है आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आपका करंट अफेयर एमसीक्यू तो जल्दी-जल्दी इसका आंसर आप सब करना प्रारंभ कर दीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एफ सी बैंगलोर यूनाइटेड जो है गोल कीपर कोच आपको बताना है गोलकीपर <laughs> कोच के रूप में किनको जो है अपॉइंट किया गया है बीपी सतीश कुमार उसके बाद आप देख सकते हो क्या क्या है आ, आ, अपोलोन आ, अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा सॉरी एंड उसके बाद जो है हम देखेंगे क्या होंगे सैयद सबीर पाशा एंड उसके बाद जो है संजय सेन एंड यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है पेरेरा तो क्या होगा आंसर आप मुझे बताओगे जल्दी से इसका आंसर कीजिए आंसर आना शुरू हो गया तीन बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स ओके यहाँ पे राकेश महतो जी का वन है श्री पूर्ण विश्वास जी का क्या है वन है विकल्प वन का फोर हम ही से पूछ रहे हैं आ, ओके तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और बताओ सभी लोग ज्योति गुप्ता बता रही हैं सतीश कुमार ठीक है मीनाक्षी वन तो जी हाँ बिल्कुल ये जो है इसका आंसर वन नंबर क्वेश्चन का आंसर वन, वन होगा बहुत कम लोग आंसर कर रहे हो हाँ चलाओ भाई जल्दी जल्दी सरिता रावत का भी आ गया चलो यहाँ पे क्रिएशन जी का भी आ गया अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी लेकिन जिनका आंसर पहले आ जाए उनका नाम लेने कोशिश तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिस्ट ऑफ बुकर प्राइज जो है कंटेंडर Who, uh, in बोला गया बुकर पुरस्कार के दावेदार की जो है इस वर्ष की सूची में जो है पुस्तक चाइना रूम शामिल है इसको लिखा किसने है सन, आप देख सकते हैं जो है संजीव सहोता उसके बाद अरुंधति रॉय एक्सक्यूज मी शशि थरूर रामचंद्र गुहा एंड सुब्रमण्यम स्वामी तो क्या होगा आंसर ओके अकबर अंसारी जी बोल रहे नो आइडिया टू नंबर क्वेश्चन का आंसर टू का फोर आ गया है टू का वन आ रहा है राकेश का कहना है टू का फोर और जो है श्री पूर्णा का कहना है टू का वन ज्योति टू थ्री और राज प्रजापति जी का कहना है फोर हम्म बहुत बढ़िया टू का थ्री टू का फोर किसको मैं बनाऊ कौन सा आंसर होगा अच्छा यहाँ पे एक आंसर है विकल्प का वन टू का वन हम्म पक्का तो तो जी हाँ सही बात है टू नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा <laughs> बहुत मज़ा आ रहा है पता है कैसे सभी लोग सारे ऑप्शंस को दिए हैं ऐसा कोई नहीं है जो ऑप्शन छूटा है दो तीन एक सब आया है ठीक है तो जो है संजीव सहोता जो है ये इनकी किताब है ठीक है चाइनीज रूम की बात की गई चाइना रूम के बारे में आप मुझे बता सकते हो क्या ये किस किस चीज़ के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है किस चीज के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है चाइ चाइनीज रूम से संबंधित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेती हूँ यहाँ पे अमृत महोत्सव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमृत महोत्सव भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है आपको पता ही होगा बहुत सारे कार्यक्रम जो है अमृत महोत्सव के तहत चल रहे हैं अमृत महोत्सव किस लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है नंबर एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे के अवसर पर या फिर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी या फिर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वी एम राव अम्बेडकर या फिर सेवेंटी फर्थ फिफ्थ जो है एनिवर्सरी जो हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस का या नन ऑफ तो क्या होगा आंसर इसका आंसर क्या होगा चार अर्चना साहू चार ज्योति गुप्ता तीन का तीन अच्छा तीन का तीन ओके यहाँ पे जो है रामदीप सिंह जी का कहना है चार आर रविचंद्रन चार आर रविचंद्रन भी चार हैं ओके मीनाक्षी चंजारिया तीन है और तृष्णा क्रिएशन जी का चार यहाँ पे जो है आशीष शर्मा जी चार चलो भाई अब मुझे लगता है हाँ राज प्रजापति जी पर डे क्लास इसी समय पर होती है साढ़े छः बजे हर दिन साढ़े छः बजे हमारी क्लास होती है करेंट अफेयर की ठीक संडे को हम करते हैं रिवीजन पूरे वीक का और एंड ऑफ द मंथ में थर्टी फर्स्ट या वन तारीख को जैसा पॉसिबल हो जाए पूरे महीने का करेंट अफेयर रिवीजन करते हैं ठीक है तो वैसा होता है अपना अभी यहाँ पे देखो अमृत महोत्सव जो है सही बात है सेवेंटी फ़ोर्थ एनिवर्सरी जो है सेवेंटी फ़िफ्थ एनिवर्सरी जो है हमारी चौथा नंबर ऑप्शन जो है सेवेंटी फिफ्थ एनीवर्सरी इंडिपेंडेंस डे की हो रही है इसी के लिए हम क्या करते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृत महोत्सव है ना आज़ादी का जो है महोत्सव अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं हम फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैजंस कैश प्राइज टू इट्स स्टूडेंट्स हु हैव won मेडल्स एट द टोक्यो ओलंपिक एंड पैरालंपिक बताना किस विश्वविद्यालय ने अनाउंस किया है कि टोक्यो ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में जो पदक जीत के आएंगे उनको नगद पुरस्कार देंगे कितने फायदे हैं यार बताओ तो चार नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है या फिर हम देखेंगे बताया गया है क्या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का कहना है डॉक्टर बी बी आर अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर हैदराबाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इनका तो क्या है आंसर ओके गुड मॉर्निंग जी नमस्ते जी जो भी हमारे क्लास में संडे को भी इसी टाइम होती है और अगर संडे को टाइमिंग चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म हो जाता है यहाँ पे ये बात है मनीषा चौहान जी चलिए तो जल्दी से मुझे बताओ यार क्या होगा इसका आंसर चार का आंसर चार का तीन यहाँ पे श्री पूर्ण विश्वास का कहना है चार का तीन ज्योति गुप्ता डाउटफुल है चार का एक ओमाई गॉड उसके बाद यहाँ पे आ, राज प्रजापति चार का चार तो किसको लॉक करें हैदराबाद oh गॉड का अग्रवाल का कहना है दो किसको लॉक किया जाए यहाँ पे विपिन कुमार जी कह रहे पांच मतलब सारे ऑप्शन बांट लिए तुम सभी ने आप मतलब मजा आ रहा है सच में कसम से तो चार नंबर का आंसर क्या हो जाएगा एक ही मुझे सही आंसर दिखा है वो है किनका विश्वास का राइट और अगर किसी ने अच्छा यहाँ पे राकेश महतो का भी तीन आ चुका है ओके श्रीपूर्णा विश्वास के अलावा तो किसी ने नहीं दिया नहीं तो फिर बोलेंगे मैम मैंने भी सही आंसर दिया था आपने मेरा नाम नहीं लिया ठीक है तो लड़ते भी तो हो आप लोग हमसे तो चार नंबर का आंसर बिल्कुल सही है तीन ही होगा यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऐसा अनाउंसमेंट है ठीक है कि जो वैक, जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जीत करके आएंगे टोक्यो ओलंपिक तो उनको जो है मेडल देंगे है ना बस पांच नंबर की बात करें रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज हेल्ड एनुअल मीटिंग ऑफ दी एससीओ यानी संगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये भी बताओगे भारत संघाई का मेंबर है या नहीं और कई बार संघाई पढ़ा चुकी हूं आप लोग को ठीक है तो फिलहाल कहाँ हुआ था आंसर बताना है आपको ओके राज प्रजापति जी कोई बात नहीं है इसका आंसर क्या होगा चार नंबर क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा जल्दी मुझे बताएंगे पांच का आंसर आ गया पांच का तीन पांच का तीन अच्छा और यहाँ पे आ गया है जो है दुशानवे आंसर फाइव का वन अभी ना बता रहे फाइव का वन राकेश मैं तो विकल्प वन तो बिल्कुल जी बिल्कुल सही है ठीक है ये जो है आप देख सकते हो दुशानवे में हुआ था राइट और अच्छा ये बताओ ये कहाँ पे है ये दुशानवे कहाँ पे है चाइना में है रशिया में है कहाँ पे है ये मुझे बताओ ठीक है एस का मेंबर इंडिया है कि नहीं ये बताओ देखो एस का मेंबर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ बने 2017 में बने याद रखिएगा एस की जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली संघाई में ही चाइना बेस्ड है ये ठीक है चलिए आगे बात करते हम यहाँ पे मुझे बताइएगा ये है कहाँ पे अब छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बोला गया एक्सिस बैंक हैज है अनाउंस सॉरी एक्सिस बैंक हैज जो है अबाउट फाइव पॉइंट फाइव फाइव परसेंट स्टेक इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स तो किस टेक्नोलॉजी फॉर्म से जो है एक्सिस बैंक ने क्या किया परचेज किया है उनके स्टेक को है ना फाइव पॉइंट फाइव परसेंट स्टेक को परचेज किया है पेटीएम टी एम आई बी बी आई सी फ़ोनपे पॉलिसी बाजार और उसके बाद हम देख सकते हैं क्या है लैंडिंग तो क्या होगा आंसर ताजकिस्तान कैपिटल है ये वेरी गुड विकल्प एंड उसके बाद देखो खुशबू मंडल बता रही है रशिया बहुत मैम काजकिस्तानी हो जाते हैं काजकिस्तान छह नंबर स्कीप करेंगे छे नंबर का आंसर क्या होगा अच्छा निर्मला अ, मिश्रा बता रही है टू सिक्स का टू नंबर स्कीप बहुत सारे और उसके बाद जो है वन छे का वन आ गया है अर्चना साहू जी का और श्रीपूर्णा विश्वास का टू चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे खुशबू मंडल का भी टू है श्रीपूर्ण विश्वास का जितना भी आंसर हो रहा है लगभग क्या हो जा रहा है सही हो जा रहा है वैसे और भी स्टूडेंट है जिनका सही हो रहा है बट मुझे इनका अभी तक तो लगभग सभी सही दिखाई दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं सिक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो सिक्स का आंसर टू ही होगा आई बी बी आई सी राइट ओके बहुत बढ़िया चलो मूव करते हैं ओके गुड मॉर्निंग सिंधु जी जल्दी आंसर करें सेवन uh, नंबर की बात करते हैं बोला गया है यहाँ पे बताया गया रिनाउन पोएट सतीश जो है कलेसकर पास अवे है ना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज तो ये जो है सतीश uh, कालेसकर जो है इनकी मृत्यु हो गई है ये किस uh, भाषा में कविता लिखते थे हिंदी मराठी ओड़िया तमिल मलयालम तो क्या होगा सेवन का आंसर सेवन का आंसर नंबर का का क्या होगा क्लास जल्दी बताएंगे यहाँ पे दीप रंजन चौधरी जी टू बता रहे हैं अभी टू पहले वाले क्वेश्चन का आंसर और या अभी का जल्दी आंसर करो सेवन नंबर में कन्फ्यूजन है अभी ना बता रहे मराठी ओके राकेश मै तो टू और श्री पूर्ण विश्वास का है मराठी तो इन तीनों का ही आंसर क्या होता है सही है मीनाक्षी जंजारिया भी सही है विकल्प का भी सही है ज्योति गुप्ता का भी सही है मीनाल कांती भी सही है राजेश जी का भी सही है खुशबू मंडल का सही है अब तो बहुत सारे स्टूडेंट है गौरव जी का भी सही है तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर क्या है सही है विपिन जी का भी सही है राहुल कुमार उपाध्याय जी का भी आंसर आ ही गया तो यहाँ पे हम देखते हैं सबका आंसर सही है आ, अब मैं नाम नहीं लूंगी ठीक बहुत हो गया अब जय बार बार नाम ले ली ना तो चलो ये तो हो गया अपना सात के बाद देखते हैं आठ नंबर क्वेश्चन है ना विच वन रिलीज द रिपोर्ट रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 भारत भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जो है वो रिलीज की गई है आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विंड पावर इन इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नीति आयोग और तीन और चार गुड मॉर्निंग जी जल्दी आंसर करें जल्दी आंसर करें आठ नंबर का आंसर क्या होगा अर्चना साहू जी का आ गया है वन अभिनव का वन श्रीपूर्णा पांच पेड़ थोड़ा डाउट में है राकेश तो बहुत सी और पांच विपिन वि, विकल्प भी पांच आर रविचंद्रन पांच राहुल कुमार उपाध्याय पांच खुशबू मंडल भी पांच भाई मिनाल कांती हो गए मीनाक्षी जंजारिया का अग्रवाल पाँच रबी नायक का भी पाँच है तो बहुत सारे लोगों का पाँच है यार अब चलो यहाँ पे क्रिएशन जी का भी पाँच हो गया पक्का तो पाँच लॉक कर दिया जाए आठ का पाँच ही होगा यार ऑप्शन ही ऐसे हैं कि सभी लोग सही बताओगे मुझे है ना क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना आपकी मनोदशा को समझते हुए ऐसे ऑप्शन होने चाहिए जिसका आप आंसर कर पाओ नाइन नंबर की बात करते हैं विच ऑफ हैज रिसेंटली अप्रूव दूथ पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी वन कौन से स्टेट का पॉलिसी है स्टेट यूथ पॉलिसी गोवा उड़ीसा गुजरात मेघालय पंजाब <laughs> मिनाल कांति जी बोल रहे है, यस लॉक ओके चलिए अब मुझे बताइए ओके राहुल कुमार उपाध्याय जी लॉक कर दिया नौ नंबर का आंसर क्या लॉक करूँ ये बताइए नौ नंबर का आंसर सही सही नहीं मिला है मुझे अभी बहुत टाइम दे दी हूँ मैं नौ नंबर के लिए चलो मैं बता देती हूँ राइट तो नौ नंबर का आंसर काफ़ी देने के बाद भी जो है यहाँ पे लगभग जो है सही सही आया है कुछ गड़बड़ भी है तो यहाँ पे नौ नंबर का आंसर होगा क्या चार तो मेघालय हमारा स्टेट जो है वो ये पॉलिसी लॉन्च किया है है ना यूथ पॉलिसी ताकि जो यूथ की क्षमता है जो जो इनकी राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी है रचनात्मक जो भी हम कह सकते हैं जो होना चाहिए सिटीजंस में इसको बूस्ट किया जा सके राइट दस नंबर की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपको बताना है लखनऊ है उसके बाद धौलाबीरा है शिमला है कुल्लू है और उसके बाद ऊटी है, 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 है तो क्या शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या होगा जल्दी बताएंगे तो इसका आंसर क्या होने वाला है इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर टू <laughs> ताकि आप चलो अभी ये हो गया अभी फिर मौका है कोई नहीं इस इसका से मैं जल्दी कर दी बहुत कम समय दी हूँ आप लोग को तो चलो अभी क्या ना स्टैटिक स्टार्ट हो रहा है तो स्टैटिक आंसर कीजिए आप लोग मुझे पहला क्वेश्चन आपके सामने है लेंदी क्वेश्चन है बड़े बड़े क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले थोड़ा टाइम दूंगी मैं आप लोग को कल थोड़ा टाइम दी थी बट ज्यादा टाइम नहीं दी थी क्योंकि जब क्वेश्चन मुझे पता है इसके आंसर नहीं कर पाओगे तो मैं टाइम वहाँ पे नहीं देती हूँ ठीक है तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है क्या है पहला नंबर क्वेश्चन तो आप देख सकते हो यहां पे बोला गया कैंसर फॉलोइंग स्टेटमेंट अब क्या है स्टेटमेंट बताया गया है क्या किसके बारे में जो है रामपा टेम्पल के बारे में इसका मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर करोगे क्यों आंसर करोगे क्योंकि तो ना ये कल ही मैं पढ़ाई हूँ आप लोग को डिटेल से राइट तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो टेम्पल है ये इसके बारे में क्या बातें सही हैं तो बताया गया दल गॉड इट नेम ये अपना नाम लेता है किसके किसके कारण हम बात करें तो जो प्रमुख जो मूर्तिकार कारक है रामप्पा ठीक है इनके, इनके नाम के कारण और दूसरा जो है हम बात कर लेते हैं बोला गया है ये जो है कंपोज टू सिमिलर टेम्पल साइड ऑन अ सिंगल फाइव फाइव फिट हाइट स्टार सेव्ड ट्रेस तो स्टार सेफ्ड का ट्रेस है इस मंदिर पे है ना और उसके बाद बताया गया है क्या कि ये जो है सातवाहना के टाइम में बनवाया गया था सातवाहना के जो राजा है हाला है ना इनके टाइम में ये बनाया गया था तो क्या होगा आंसर आपको बताना है मैं पढ़ाई हुई हूँ कल ही बताया था आपको तो देखो यहाँ पे एक बात याद रखना है मैं बताई थी कल आपको कि जो मुख्य सेनापति हैं ठीक है है ना उनके नाम पे होता तो जो मुख्य सेनापति हैं वास्तव में फाउंडेशन स्टोन वही रखते हैं और कायदे से वो जो है मूर्तिकला से परिचित होते हैं तो मूर्तिकार पूरी तरह से वो बनते नहीं पूरी तरह से मूर्ति का निर्माण नहीं करते हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनका भी योगदान था तो जो है उनके नाम पे ही ये टेंपल का नाम हुआ था जो कि सेनापति भी थे कल में पढ़ाई थी ठीक है और ये नया पॉइंट मैं ऐड की आज एमसीक्यू के थ्रू ताकि आप याद रख पाओ क्यूँकी ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एड हो चुका है ये टेम्पल है ना चलिए अब ये कल ही डिस्कस किया गया तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा मैं बताई थी ये सातवाहना के टाइम नहीं है सातवाहना के जो राजा हैं हाला इनके टाइम में नहीं है तो ये किसके टाइम के थे काकतिया डायनेस्टी में बताई थी ना और कौन सा वहाँ पे राजा जो थे वो कौन से राजा थे मैं कल ये भी बताई थी ठीक है तो आपको याद होगा तो जो है गणपति देवा थर्टीन सेंचुरी अगर आपको याद होगा तो और कौन सा टेक्नोलॉजी पे था ये मंदिर तो ये सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी पे ये मंदिर बना हुआ था राइट तो दो तीन पॉइंट्स हैं रिवीजन हो गया होगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए द फॉलोइंग स्टेटमेंट अवॉर्ड चंद्रशेखर आजाद तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में आपको बताना है ऑप्शन नंबर वन बोला जा रहा है कि ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी स्वदेशी मोमेंट कि ही वॉज इन्वॉल्व इन दी 1925 काकोरी कॉन्स्पेरे तीसरा बोला गया ही ऑफ एन यूज दी आप देख सकते हो जो सडोनॉमी भानु सिम्हा ठीक है वेन साइनिंग आप देख सकते हो पेम्पलेट इशूड एज दी कमांडर इन चीफ ऑफ दी एच एस आर ए आपको बताना है एच एस आर ए की जो कमांडिंग है कमांडर थे ये है ना कमांडर चीफ के रूप में ये जो है पम्पलेट्स वगैरह का पम्पलेट छाप करके और लोगों में बांटते थे जिसका जो है नामकरण की अगर हम बात करें तो भानु सिम्हा याद रखेंगे आप मुझे बताइए क्या होगा ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे मतलब इतना पढ़ते नहीं है ना इस इस वजह से ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप अगर हम बात करें नंबर की बात सिर्फ और सिर्फ बी जो है यानी ऑप्शन नंबर बी यानी ओनली टू ही जो है ये सही है काकोरी कॉन्स्परेंसी में ये इन्वॉल्व थे ये बिल्कुल सही है स्वदेशी मोमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे क्योंकि जो स्वदेशी मोमेंट है उसमें महात्मा गांधी की विचारधाराओं पे चलना था और क्या करना था भैया आप हमको मारो हम जो है आपके सामने खड़े रहेंगे आपका काम नहीं करेंगे आपको मारना है आप मार लो वो याद है ना पाकिस्तान वाले जो प्लेयर का डायलॉग वीडियो वायरल हुआ था ये मतलब अगर आपको याद होगा तो मारो मुझे मारो टाइप्स वाला ठीक <laughs> है तो वैसा टाइप का ये समझ गए तो यहाँ पे इन ये इन्वॉल्व थे काकोरी में और काकोरी कॉन्स्टेंसी में सब गिरफ्तार हो गए थे है ना सत्रह के सत्रह लोग गिरफ्तार हो गए थे चार को जो है फांसी हुई थी जिसमें आपको याद होगा रोशन सिंह जो

Uh, यानी ओवरसीज इंडियनशिप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ठीक है कार्ड होल्डर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास दूसरे कंट्री का आपको कंसीडर स्टेटमेंट पे ध्यान देना है तो ओ के लिए क्या होना चाहिए भारत के अलावा दूसरे देश की जो है कार्ड होल्डिंग होनी चाहिए दूसरा बोला गया इंडिविजुअल हु हु बोला गया क्या मैं पढ़ रही हूँ आज कितना मिस्टेक हो रहा है सॉरी ना इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स और जो है ग्रैंड पेरेंट्स होल्ड सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर नॉट एलिजिबल टू दी अप्लाई आपको बताना है कि पाकिस्तान के हो अफगानिस्तान के हो या बांग्लादेश के अगर उनके जो है माता पिता या दादा दादी कोई भी हो या उनकी नागरिकता रखते हो उस देश की नागरिकता रखते हो तो वो अप्लाई जो है नहीं कर सकते तो क्या होगा आंसर तीन नंबर का ये थोड़ा सा बताओ मुझे ये बांग्लादेश बा, बा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला पॉइंट वहाँ पे मेंशन नहीं कर, की थी इसको एमसीक्यू में डिस्कस कर रही हूँ तो जल्दी से मुझे बताएंगे तीन नंबर का आंसर क्या होगा देखो जल्दी से मुझे बता सकते क्योंकि देखो है क्या कि पहला तो ऑप्शन आप लोग का सही ही है ठीक पहला तो आप लोग बता ही दोगे मुझे मैं बता चुकी हूँ तो तीन नंबर का आंसर जो है ये बात बिल्कुल सही है कि पहले वाला ऑप्शन सही है सेकेंड नंबर की बात करें हम तो यहाँ पे बोला गया था ना क्या कि जो देश मैंने आज़ादी के टाइम में वो भारत का पार्ट था उसके बाद जो है वो भारत से अलग हो गया उनके देश के नागरिक जो है अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे बोला गया है ये सब जो है अप्लाई करने के लिए नॉट एलिजिबल है तो कायदे से अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये पॉइंट जो है तो क्या लगता है आपको नॉट एलिजिबल है ना तो सही बात है नॉट एलिजिबल एलिजिबल है eligible है तो है 47 के टाइम में भारत का पार्ट है या 50 तक 40 50 है सॉरी 50 तक जो है भारत के पार्ट थे या फिर जो है ऐसा पार्ट जो 1950 के बाद भारत का पार्ट होगा उनके नागरिक जो है यहाँ पे क्या है उनके नागरिकों को भारत की नागरिकता ये ओसीआई कार्ड होल्डिंग मिल सकती है तो ये है वहाँ पे ये वाली पॉइंट क्लियर कटली मेंशन नहीं है लेकिन जनरली क्या होता है प्रैक्टिस में क्या है मैं बता रही हूँ ऐसे देश के जो नागरिक होते हैं इनको फिलहाल जो है ये सुविधाएं तो मिलती नहीं है ठीक है ये सुविधाएं मिलती नहीं है लेकिन क्लियरली कट वहाँ पे नहीं किया गया है क्योंकि और भी आर्टिकल्स जो 2019 में 2019 में में ऐड ऐड किए किए गए वो इस बात को क्लियर कट कहते हैं कि जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश जिसके लिए हमारे यहाँ प्रोटेस्ट भी चला था इन देश के नागरिकों को क्या होगा नागरिकता के लिए जो है इतना आसानी से इनको नागरिकता नहीं मिलेगा तो जब नागरिकता ही इतना आसानी से इनको नहीं मिलेगा तो सी कार्ड भी इनको नहीं मिलेगा समझ गया? तो कट नहीं है साइड से कट किया गया चलिए चार नंबर की बात कर लेते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट बताया गया है ये भी ओवरसीज इंडियन वाला ही है क्योंकि बड़ा आर्टिकल था तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आप इसे बना ही लो आज बोला गया है ओ सी कार्ड होल्डर जो है उनको जो है बार बार भार भारत में आने का जो वीजा होता है फ्री जो है हम कह सकते हैं ट्रेवल वीजा देखो यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना कि वीजा फ्री इनको प्राप्त होता है इनके पास राइट होता है करने का पार्टिसिपेट करने का बिजनेस करने का एजुकेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का दूसरा बला, बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है है ना वो स्क्यूटनी करती है ओसी ओसीआई कार्ड होल्डर के एप्लीकेशन को तीसरा बताया गया है कि पर्सन is is proved to have a disrespected the Indian Constitution's OCI is immediately cancelled hai तो वैसे आदमियों की जो है OCI कार्ड होल्डिंग को निरस्त कर दी जाती तुरंत ही तो क्या होगा आंसर सही मुझे बताएंगे चार नंबर का तो चार नंबर का आंसर what इज आंसर क्या होगा देखो सब कुछ सही है यहाँ पे ठीक है तो वन नंबर सही है और तीन नंबर भी क्या होगा सही है यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आ गया ना एक्सटर्नल अफेयर को काट के यहाँ पे अगर होम अफेयर होता तो ये भी क्या होता सही हो जाता तो ये सब होम मिनिस्ट्री के तहत आता है होम मिनिस्ट्री देखती नागरिकता से संबंधित हर चीज को होम मिनिस्ट्री देखती विदेश से जुड़े हुए मामले को विदेश मंत्री देखती है लेकिन नागरिकता से जुड़े हुए हर मामले को हमारी होम मंत्रालय देखती गृह मंत्रालय देखती है तो कायदे से दो गलत हो जाएगा तो दो जहां जहां है उसको काट दो ठीक है तो तीन तो ये दोनों में कॉमन है तो तीन सही है एक को देख लो तो एक को पढ़े हो आपको तो पढ़ा चुके हैं कि इनको जो है फ्री वीजा मिले रहता है बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता है ना उसका मतलब तो वही हुआ तो यहाँ पे कायदे से क्या हो गया चार नंबर का आंसर

Hm. तो देखिए यहाँ पे मैं बताई थी आपको कि किसी भी तरह का पैसा है, जो है स्टेफन मिलेगा लेकिन ये अभी किस तरह का एक्सक्यूज <laughs> में पैंतीस सौ रुपये का एक्सेस जहाँ पे हम जिक्र आपको नहीं किए थे राइट अगर याद होगा तो बताएं पांच लाख का इंश्योरेंस मिलेगा दस लाख रुपया मिलेगा तेईस साल की उम्र में स्कूल एजुकेशन के लिए सपोर्ट मिलेगा स्टेफन की धनराशि मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ अमाउंट मैंने मैंसन नहीं किया था ठीक चूंकि क्लियर भी नहीं है लेकिन धनराशि मिलेगी कितने की मिलेगी ये कुछ क्लियर नहीं है तो हो सकता है क्लास के ऊपर डिपेंड करे पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करे राइट तो वाली पॉइंट मेंशन की मैं तो कायदे से सेकंड नंबर गलत हो गया तो ना ही तो बोथ होगा और आ, अगर हम बात कर लेते हैं वन नंबर तो वन नंबर तो बिल्कुल सही है इंपावरमेंट के लिए कोविड नाइन्टीन अफेक्टेड चिल्ड्रन को तो वन तो सही हो गया तो ये भी अपना गलत हो गया और ये भी अपना गलत है राइट तो वन नंबर पांच का वन सही छठे नंबर की अगर हम बात करें बोला गया है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग दिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर दी जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ अफगानिस्तान कल भी मैं एक जो है क्वेश्चन लाई थी त्रिपुरा से संबंधित आपको आज बताना है कि अफगानिस्तान के साथ जो है वो कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है ये आई मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री संबंधित हो गया ताजिकिस्तान ईरान चाइना पाकिस्तान आंसर क्या होगा छठे नंबर का चलिए अब मैं बताती हूँ देखो छठे नंबर के अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा दिमाग थोड़ा तो सा लगाओगे तो हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं चाइना तो बिल्कुल साइड में पड़ जाता है अफगानिस्तान इधर पड़ जाता है तो बिल्कुल ही कट होता है थोड़ा सा बॉर्डर शेयर होता है थोड़ा सा अप साइड में ऊपर साइड में थोड़ा सा टच करता है मे बी और उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना तो हो गया ईरान की बात करें तो ईरान और ताजिकिस्तान की बात अगर हम करें राइट तो देखो ताजिकिस्तान जो है तुर्कमिस्तान उजबेकिस्तान है ना और ईरान का जो है वेस्टर्न पार्ट है ना ये सब जो है टच करता है तो ईरान का वेस्टर्न पार्ट जो है वो टच करता है ठीक है और आपको पता ही होगा डूरंड लाइन के बारे में कोई आइडिया है बताइए तो डूरंड लाइन जो था ये डूरंड लाइन जो है ये किससे रिलेटेड है तो आपको याद होगा ये लाइन जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग 1510 माइल का एक बॉर्डर क्रिएट करता था पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो अब ये बन गया किसके बीच में पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के बीच में जो है ये डूरंड लाइन है बॉर्डर तय करती है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ अफगानिस्तान के साथ बहुत अभी अफगानिस्तान न्यूज में है जस्ट बिकॉज अशांति वहां पे बहुत ज्यादा यूएस के ट्रुप्स वहां से निकल गए हैं और अब बात तो तालिबान से हो रही है अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए बहुत डिटेल से यहाँ पे बहुत सारी बातें डिस्कस करने के लिए लेकिन उसको छोड़ते हुए मूव करते हैं नंबर क्वेश्चन की तरफ बोला गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफ द द द फॉलोइंग डू यू समटाइम्स फाइंड टर्म्स वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इन दू इन द न्यूज जानते हो कल इस पे आर्टिकल था पर इतना नहीं है आप लोग को पढ़ाएंगे तो आप लोग सच में रोने लगोगे आर्टिकल्स तो वुल्फ वॉरियर बहुत ही बड़ा आर्टिकल था पेपर में इग्नोर की मैं उसको नहीं डिस्कस की आ, बताओ मुझे ये किसका है यूनाइटेड स्टेट रशिया साउथ कोरिया एंड चाइना बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ये ना एक्चुअली ना बहुत सारे टेक्निक होते हैं चाइना के किसी भी प्लेस में कब्जा जैसे कैबिस टेक्निक वुल्फ वॉर टेक्निक समझ गए तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आ, इवन प्रॉपर्टी को कैसे जो श्रीलंका में किया गया ना आ, कैसे वहां के पोर्ट को 99 ईयर के लिए ले लिया गया तो ये सब जो टेक्निक है ये सब टेक्निक चाइना के ही होते हैं किसी जगह में अपने आर्मी का अलग अलग तरीके से प्रयोग करके कैप्चर करने के लिए कैबिस टेक्निक तो बहुत ही फेमस है इनकी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं टेक्निक समझाऊंगी नहीं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को क्या होता है उसके अंदर लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होता है ये सब आठ नंबर की बात करें स्टेटमेंट देंट सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्टेट फॉर रूरल

पानी से संबंधित जो है वाटर से संबंधित जल आपूर्ति से संबंधित जो है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम शुरू किया गया था फिर बताया गया है सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या कि राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण योजना को जो है वो जल जीवन के तहत जो है वो मर्ज कर दिया गया है तो बताना है आठ नंबर का आंसर क्या होगा <laughs> देखो आ, अगर यहाँ पे हम बात करें ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ओनली बी होगा यानी बात तो बिल्कुल सही है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर वन की तो बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के असिस्टेंस से यानी स्टेट के हेल्प से रूल जो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे वाटर सप्लाई करने के लिए उन्नीस में योजना जो है वो लागू की थी जबकि एन आर डी डब्ल्यू पी यानी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो है ये 2009 में लॉन्च किया गया था उन्नीस में भी 72 में भी योजना आई थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से रूरल एरिया में वाटर सप्लाई के लिए योजना थी समझ गए ये याद रखेंगे तो 72 में वाटर संबंधित योजना तो है लेकिन वाटर सप्लाई के लिए है और ये जिस योजना का नाम लिया गया है वो योजना वास्तव में 2009 में आई थी ठीक चलिए आगे बात करते हैं पे नौ नंबर की बात करते हैं आ, बोला गया ऑफ ऑफ फॉलोइंग नोडल मिनिस्ट्री सॉरी नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन तो जल जीवन मिशन को जो है लागू करने के लिए कौन सी नोडल जो है एजेंसी है तो तो आप नाम देख चुके हो जल शक्ति तो बिल्कुल जल शक्ति ही है इसका आंसर दस नंबर की बात कर लेते हैं कंसर्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है क्या है स्टेटमेंट इट इज अंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट मेनली जो है प्रमोट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम सेकेंड बोला गया है इट्स अ टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच ऑफ विच इज कम्पोज ऑफ ऑल स्टेट थर्ड बोला गया इज स्विट्जरलैंड तो क्या होगा दस नंबर का आंसर दस नंबर का आंसर क्या होगा तो दस नंबर की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा सा हेडक्वार्टर वगैरह आपको याद होगा तो जो है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड तो बात सही हो गई ठीक है और अगर ऑप्शन नंबर टू की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है और इसमें सारे मेंबर्स आते हैं जो भी इसके पार्टिसिपेटरी हैं राइट right. और अगर हम बात करें वन नंबर की तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है रूल बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बिटवीन दी इनके जो मेंबर नेशंस होते हैं है ना लेकिन यहाँ पे आई जो होता है वो प्रपोज करता है फंड ठीक है तो फंडिंग की जहां तक बात करते हैं हम लोग तो ये आईएमएफ के थ्रू ही होता है तो कायदे से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये हो जा रहा है आपका टॉप बोला गया है ना टॉप डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग बॉडी बोला गया है ना ठीक है तो यहाँ पे आपको बस टू नंबर में थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है कि ये थोड़ा सा जो है इनकी जो मीटिंग होती है ये बाई एनुअल होती है साल में दो बार होती है और भी बहुत तरह की बॉडी है जो टॉप लेवल पे जैसे यूएन बनाता है और चूंकि अगर टॉप लेवल की होती तो आपको याद होगा कि बहुत सारे कंट्री आपस में क्या करते हैं आपस में डब्ल्यू के मेंबर तो हैं ही लेकिन बहुत सारे अलग अलग कंट्री से क्या बायोलिटरल रिलेशन रखते हैं अगर ऐसा होता तो फिर ये कोई भी स्टेट आपस में बायोलिटरल रिलेशन नहीं रख पाते राइट कोई भी स्टेट जो है वो चाहेंगे तो डब्ल्यू से निकल भी सकते हैं कोई वैसा इशू नहीं है और आजकल तो डब्लू का कोई रिलेवेंस भी नहीं रह गया बहुत सारे कंट्री जो होते हैं अपने नॉर्म्स को ब्रीच कर रहे हैं लेकिन डब्ल्यू कुछ कर नहीं पा रहा तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है ये सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल यहाँ पे लिखना है ना कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी डिसीजन मेकिंग बॉडी ये गलत हो जाएगा तो कायदे से इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर की सॉरी uh, यहाँ पे तो 10 नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर होना है वन एंड थ्री ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट खत्म और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री वाला ही क्वेश्चन हो गया है हिस्ट्री से संबंधित तो और आज भी हम सब काफ़ी लेट हो चुके हैं आपके क्लास में लेकिन क्या करूँ ये जो एम वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हो जाते हैं लेंदी ठीक है इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा चैट कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए ओके एंड uh, हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को थैंक यू सो मच